आज को इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि आप गाड़ी को किस तरह से क्लच को कंट्रोल करोगे, आपका ब्रेक को कैसे कंट्रोल करोगे और एक्सेलेटर कैसे कंट्रोल करोगे इन ए नॉर्मल ट्रैफिक लाइफ। पहला काम पहला करना पड़ता है आपको, वो है आपका पहले जो गियर, ठीक है। तो गियर को चेंज कर फर्स्ट गियर में डालने से पहले आपको क्या करना है वो मैं पहले दिखा देता हूँ। पहले क्या करना है, देखिए मैं पैर को बिल्कुल भी ऐसा रखना है, ठीक है। तो आपका जो ये बीच का पोर्शन होगा यहाँ ऐसे होगा, ठीक है। और क्लच को ऐसे नहीं दबाना है, ऐसे दबाओगे जब आप क्लच छोड़ोगे तो आपका पैर फंस जाएगा, इससे पहले में मैं वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। और आपका डायना वाला जो पैर होगा वो रहेगा आपका ब्रेक और एक्सेलेटर का बीच में, ताकि आप आराम से इसको फ्रीली मूव कर पाओ, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, क्लच को जैसे मैं पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ, आप ने तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, पैर को उठा के ब्रेक इस तरह से क्लच को पूरा दबा देना है, ठीक है। ये पूरा मैं क्लच को दबा दिया, अभी ऐसे दबा हालत में रहेगा। अभी मैं क्या करूंगा, फिर से मैं आ गया गियर में, मैं गियर को राइट हैंड साइड में मैं ठेलूंगा फिर ऊपर उठा दूंगा, ठीक है। ये मैं लेफ्ट में किया फिर इसको ऊपर में उठाया, ये गाड़ी स्लॉट हो गया फर्स्ट गियर में, ठीक है। अभी इस जो काम है वो है पैर का, अभी भी आप देख सकते हो मेरा पैर क्लच पूरा दबा हुआ है, ठीक है। ये पैर मैं कहीं पर भी दिया नहीं हूं, ये पैर मैं एक्सेलेटर के ऊपर जस्ट रखा हूं, अभी तक मैं कुछ किया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं कैसे क्या करना है मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये दरअसल ये आपका जो पैर होगा, जो क्लच वाला जो पैर है ना, ये वाला पैर थ्री स्टेप में आप उसको उठाओगे। पहले आप क्या करोगे, थोड़ा सा एकदम हल्का छोड़ोगे, ठीक है। देखो एकदम ऐसे था, ठीक है। अभी आप इसको इस तरह से छोड़ दो एकदम धीरे धीरे, और ये वाला डायना वाला जो पैर है एक्सेलेटर का, उसको आप क्या करो एकदम धीरे धीरे करके दबाओगे, ठीक है। जहां आपका गाड़ी देखोगे 1500 RPM का आसपास हो गया, तभी आप पैर पूरा उठा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आपका जो होगा, जो क्लच वाला जो पैर है एकदम धीरे धीरे ऊपर उठेगा, ठीक है। और जो एक्सेलेटर वाला जो पैर है वो एकदम धीरे धीरे करके दबेगा, मतलब ये पैर उठेगा ये पैर दबेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको दिमाग में बैठा लेना है, तो फिर आराम से आप गाड़ी कहीं पर भी स्लोप में भी आपको यही चीज यही टेक्निक काम में आने वाला। देख सकते हो मैं नॉर्मली क्रूज कर रहा हूँ और उतना ज्यादा भीड़ नहीं है, तो मेरा पैर का जो पोजीशन है कुछ इस तरह से है। ये जो पैर है मेरा लेफ्ट वाला, ठीक है, ये लेफ्ट वाला जो पैर है, देखिए सामने कोई बंदा आ रहा है, तो मैं क्या क्लच को दबाया और मैं क्या किया, थोड़ा सा ब्रेक को टैप किया ताकि थोड़ा सा गाड़ी हल्का हो जाए। अभी फिर से गाड़ी हट गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गाड़ी को फिर से जोर भगा रहा हूँ, तो पैर अपना जो है जो एक्सेलेटर वाला जो पैर है उसको मैं दबा रहा हूँ, ठीक है। मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ और जो मेरा लेफ्ट वाला जो पैर है वो पैर मैं हटा के रखा हूँ, कभी भी पैर को इस तरह से इसका रेस्ट नहीं करना है। अभी थोड़ा सा आगे ट्रैफिक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लगा के मैं क्लच दबा के थोड़ा सा स्लो डाउन किया, फिर से गाड़ी अभी खाली हो गया, तो मैं फिर से गाड़ी को मैं बढ़ाना मैं शुरू किया हूँ। मैं सामने वाला जो गाड़ी है उससे मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मैं बना के चल रहा हूँ। तो अभी क्या करूँगा, मैं गियर को फिर मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं देखिए एक्सेलेटर से मैं पैर हटाया, ठीक है, मैं एक गियर नीचे कर लिया क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो गया था। गियर चेंज किया, मैं पैर हटा दिया, फिर से एक्सेलेटर को मैं दबा रहा हूँ, ठीक है। और देखिए अभी थोड़ा सा मेरे को स्लो डाउन करना है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट हल्का मैं क्लच को मैं दबाया नहीं, खाली मैं जस्ट हल्का सा ब्रेक को टैप किया क्योंकि यह एक टर्न ले रहा हूँ मैं। तो इसी तरह से आपको गाड़ी को स्मूथली आगे बढ़ाते रहना है। क्लच को दबाया, गियर को मैं थर्ड गियर में आ गया, फिर से ब्रेक लगा, क्लच को दबाया, स्लो डाउन कर लिया, पैर में डाल दिया, ब्रेक से पैर हटाया, एक्सेलेटर में पैर दिया और गाड़ी बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ, जहाँ गाड़ी पूरी तरह से मतलब मूव करना शुरू कर गया मैं तुरंत पैर हटा देता हूँ अपना क्लच से। थोड़ा सा हिल रहा है मेरा हाथ का कैमरा, उसके थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। देखो फिर मैं थर्ड गियर में आ गया, पैर हटा लिया, लेकिन ये जो पैर है, ठीक है, जब मैं और एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो कि थोड़ा सा एसेंशियल है, जब भी मैं अभी देखो अभी गाड़ी मेरा थर्ड गियर में है, स्पीड 40, ठीक है, RPM 2500। अभी मैं क्या करूँगा, गाड़ी को गियर को फोर्थ गियर में लाऊँगा। जब मैं क्लच दबा रहा हूँ ना, मेरा ये वाला जो एक्सेलेटर का जो पैर है ये लेकिन उठ जा रहा है, आपको शायद लग रहा है इस समय, लेकिन मैं पैर ये पूरा उठा ले रहा हूँ, उठाया और मैं गाड़ी को फोर्थ गियर में डाला। ये पैर जब उठ रहा है, मेरा क्लच वाला पैर जब उठ रहा है, तभी मैं एक्सेलेटर को प्रेस कर रहा हूँ। तो आगे फिर से सिग्नल हो गया, मैं क्या करूँगा, गाड़ी को पहले बिना क्लच दबाए स्लो डाउन करूँगा, गाड़ी का स्पीड को 20 तक लाऊंगा, फिर मैं क्या करूँगा क्लच को दबाऊंगा, नहीं तो गाड़ी ये होना शुरू हो जाता है, झक ढक 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 करता है। तो देखो अभी गाड़ी एकदम स्लो डाउन हो गया, क्लच पूरा दबा हुआ है, ठीक है। गाड़ी को मैं न्यूट्रल में कर दिया
और पूरा ब्रेक दबा के गाड़ी को मैं रोक दिया, क्लच से मैं पैर उठा लिया। तो ये जब नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में जब भी आप जब गाड़ी जब चलाओगे, ठीक है, तो आपको गाड़ी को क्लच का जो मूवमेंट है, जो क्लच का जो कंट्रोल है, फिर से सिग्नल हो चुका है कि ब्रेक से पैर हटाया, एक्सेलेटर पे पैर दिया, दबाया और मैं हटा दिया, सेकंड गियर में मैं तुरंत आ गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो मैं धीरे धीरे करके आपको समझा पाया, आप जस्ट प्रैक्टिस करो इसको, तो फिर बेहतरीन रिजल्ट निकल के आएगा।